आज हम बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा से आने वाली 15 बड़ी हॉरर फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2022 से लेकर 2024 तक आने वाली है। इस समय हॉरर फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, बैक टू बैक हॉरर फिल्में आने वाली है। जी हाँ, बहुत सारी हॉरर फिल्में आने वाली है और बहुत ही अच्छी अच्छी हॉरर फिल्में आने वाली है। ये 15 की 15 फिल्में हिंदी में आने वाली है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नाम लेने से भी आता है क्या? नंबर 15 प्लेस पे फोन बूथ। फोन बूथ एक हॉरर प्लस कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में कैटरीना कैफ एक गोस्ट के रोल में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर सभी को काफी अच्छा लगा है, सच में ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है। वैसे फिल्म में हम सभी को कैटरीना कैफ के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान कट्टर, जैकी श्रॉफ और शिवा चड्ढा दिखाई देने वाली है। डायरेक्शन दिए गुरमीत सिंह और ये फिल्म 4 नवम्बर को आने वाली है थिएटर्स में। तुम्हारी हिंदी वीक है? नंबर 40 पे रॉकेट गैंग। ये फिल्म भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का ट्रेलर भी आउट हो चुका है। वैसे इस फिल्म का ट्रेलर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे देखते फिल्म कैसी होती है। इस फिल्म में हम सभी को आदित्य सिल और निकिता दत्ता दिखाई देने वाली है। डायरेक्शन दिया बॉस्को मार्टिस और ये फिल्म भी 11 नवम्बर को आने वाली है थिएटर्स में। अगर ऐसा कुछ होता तो ये प्लांचर्ड अपने आप ही हिलने लगता। नंबर 30 पे भेड़िया। भेड़िया बॉलीवुड के आने वाली मच अवॉइडेड हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिस फिल्म में हम सभी को अच्छे विजुअल भी देखने मिलेंगे। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ एक बार फिर से कृति सनन दिखाई देने वाली हैं। इससे पहले ये दोनों एक साथ दिलवाले फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म में अभिषेक बनर्जी और दीपक दोगरियाल जैसे एक्टर अहम भूमिका में नजर आएंगे। डायरेक्शन दी अमर कौशिक और ये फिल्म 25 नवंबर को आने वाली है थिएटर्स में। वैसे इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप सभी को लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में। और फटके ना पीछे से पूंछ निकलती है, ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते। नंबर 12 पे अद्भुत। ये फिल्म एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डायना पेंटी, श्रेया धनवंतरी और रोहन मेहरा दिखाई देने वाले हैं। और कुछ ही महीने पहले इस फिल्म का कुछ ग्लिम्स भी रिलीज हो चुका है जिसे देखने के बाद ये फिल्म काफी ज्यादा थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई लग रही है। वैसे ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। नंबर 11 पे काकुड़ा। ये फिल्म भी एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा और साकिब सलीम दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को जॉम्बी वाली जैसे एंटरटेनिंग फिल्म बना चुके डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार डायरेक्शन दे रहे हैं। बताया जा रहा है इस फिल्म में ये तीनों एक्टर्स भूतों को पकड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं और ये हॉरर प्लस कॉमेडी से भरी हुई फिल्म 2023 तक थिएटर्स नहीं तो OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। नंबर 10 प्लेस पे छोरी 2। छोरी 2 फिल्म भी आने वाली है और फिल्म अनाउंस भी हो चुकी है। ये फिल्म 2021 की एक अच्छी हॉरर फिल्म छोरी फिल्म का सीक्वल होने वाला है। जो फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर आई थी और ये फिल्म ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है। छोरी के सेकेंड पार्ट पे हम सभी को नुसरत भरूचा लीड में दिखाई देने वाली है और ये फिल्म पार्ट 1 से बड़ी और ज़्यादा डरावनी होने वाली है, ऐसा इस फिल्म के मेकर्स का कहना है। फिल्म को डायरेक्शन विशाल पूरिया देने वाले हैं जो कि पार्ट 1 को भी डायरेक्शन दे चुके हैं और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। नंबर 9 पे 90/20 हॉरर्स ऑफ हार्ट। ये फिल्म एक हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में अविका गौर दिखाई देंगी जो कि बालिका वधु जैसे सीरियल से जानी जाती हैं। इस फिल्म से अविका गौर बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। ये फिल्म 90/20 फिल्म सीरीज की 5th फिल्म होने वाली है। इससे पहले 90/20 2008, 90/20 एबल रिटर्न्स 2012, 90/20 लंदन 2060 और 90/21 जैसी फिल्में इस सीरीज में आ चुकी हैं। इस फिल्म को कृष्णा भट्ट डायरेक्शन दे रही हैं। फिल्म की कहानी महेश भट्ट लिखे हैं और फिल्म को प्रोड्यूस विक्रम भट्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 2023 तक आ सकती है। एट पे चंद्रमुखी 2। ये फिल्म भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। जो फिल्म तमिल सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म चंद्रमुखी फिल्म का सीक्वल होगा। जो फिल्म 2005 में आई थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई थी और ऑडियंस को भी ये फिल्म
खूब पसंद आई थी। चंद्रमुखी फिल्म में हम सभी को सुपरस्टार रजनीकांत दिखाई दिए थे, वहीं चंद्रमुखी 2 फिल्म में हम सभी को राघवा लॉरेंस दिखाई देंगे, जो कि इससे पहले कंचना जैसी कमाल की हॉरर कॉमेडी फिल्म ला चुके हैं। ये फिल्म में राघव लॉरेंस के साथ अनुष्का शेट्टी दिखाई देने वाली हैं और फिल्म में वाड़ी वालू भी दिखाई देंगे कॉमेडी करते हुए, जो कि पार्ट 1 का भी हिस्सा रह चुके हैं। फिल्म को डायरेक्शन पी वासु दे रहे हैं और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। वैसे उनको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले हैं। नंबर 7 पे विस्फोट, ये फिल्म भी एक हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जो फिल्म रीमेक होने वाली है रॉक पेपर एंड सीजर फिल्म की, जो फिल्म 2012 में आई थी। इस फिल्म में हम सभी को रितेश देशमुख, फरदीन खान, प्रिया बापट और क्रिस्टल डिसूजा इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। डायरेक्शन इस फिल्म को दिए हैं कोकी गुलाटी और ये फिल्म 2022 तक आने वाली है। फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। इस फिल्म से फरदीन खान कमबैक करने वाले हैं। इनकी लास्ट फिल्म 2010 में आई थी, फिल्म का नाम था दूल्हा मिल गया। नंबर 6 पे रोजी द सैफ्रन चैप्टर, ये फिल्म एक अपकमिंग हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जो फिल्म ट्रू इवेंट पर बेस्ड होगी। इस फिल्म में हम सभी को रोजी नाम की एक लड़की की कहानी देखने मिलेगी, जो कि एक एम्प्लॉय होती है बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन की। ये बंदी अचानक से गायब हो जाती है, फिर थोड़ा खोज करने के बाद पता चलता है जो लड़की बीपीओ में काम कर रही थी वो बहुत साल पहले ही ये लड़की मर चुकी है। बाप रे गजब। ये हॉरर फिल्म में हम सभी को अरबाज खान, पलक तिवारी, सिवी नारंग और तनिषा मुखर्जी दिखाई देने वाली हैं। वैसे पलक तिवारी इस फिल्म में रोजी का रोल ऐसे करने वाली हैं। डायरेक्शन इस फिल्म को विशाल रंजन मिश्रा दिए हैं और ये फिल्म 2022 के एंडिंग नहीं तो 23 तक आने वाली है। नंबर 5 प्लेस पर राजा डिलेक्स, ये फिल्म एक हॉरर एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म में प्रभास, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल दिखाई देने वाली हैं। इस हॉरर फिल्म को लिमिटेड बजट पर बनाने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म का बजट इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है जितना प्रभास की फिल्मों का बजट होता है। इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में दिखाई दे सकते हैं। डायरेक्शन इस फिल्म को मारुति देने वाले हैं और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करने वाले हैं। नंबर 4 पे स्त्री 2, ये फिल्म 2019 में आई काफ़ी सक्सेसफुल हॉरर फिल्म, स्त्री फिल्म का सेकंड पार्ट होगा। वहीं स्त्री 2 फिल्म में हम सभी को राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर दिखाई देने वाली हैं। डायरेक्शन अमर कौशिक देने वाले हैं, जो कि स्त्री फिल्म को भी डायरेक्शन दे चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। कैसे करेंगे? किसी का तो पता नहीं, पर तुम्हें अगर करनी हो तो बस मुझे याद कर लेना। नंबर 3 पे गो गो गॉन 2, ये फिल्म 2030 की शानदार फिल्म गो गो गॉन फिल्म का सीक्वल होने वाला है। जो फिल्म काफ़ी कड़क फिल्म थी, गो गो गॉन फिल्म की अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग किसी न किसी रीज़न की वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फिल्म में हम सभी को सैफ अली खान, कुणाल खेमो, आनंद तिवारी, वीर दास और वरुण शर्मा भी दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्शन राजन डी के देने वाले हैं और ये फिल्म 2023 तक आ सकती है। नंबर 2 प्लेस पे हैं दिनेश विजन, अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक वैम्पायर बेस्ड हॉरर कॉमेडी फिल्म ला रहे हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना और समंथा एज द लीड दिखाई देने वाली हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर के रोल में दिखाई देने वाले हैं और फिल्म में समंथा एक प्रिंसेस, एक रानी के रोल में दिखाई देने वाली हैं। और दोस्तों, आयुष्मान खुराना की इस वैम्पायर फिल्म को अमर कौशिक डायरेक्शन देने वाले हैं और ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। नंबर 1 प्लेस पे तुम्बाटू फिल्म भी आने वाली है और फिल्म पर काम भी चल रहा है। जी हाँ, ऐसा एक्टर सोहम शाह कंफर्म कर चुके हैं। तुम्बाटू 2080 की मास्टरपीस और काफ़ी यूनिक हॉरर फिल्म तुम्बाड़ फिल्म का सीक्वल होने वाला है। जो फिल्म वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म थी, जो फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी जितना इस फिल्म को करना चाहिए था। फिल्म का बजट सिर्फ 5 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 13 करोड़ 57 लाख का नेट कलेक्शन की थी। वैसे तुम्बाड़ 2 अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है, यानी ये फिल्म 2023 के एंडिंग नहीं तो 2024 तक आने वाली है। बाबा, तो ये थी बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा से आने वाली 15 बड़ी हॉरर फिल्में। तो आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मैं अभी के लिए 3 फिल्मों के लिए वेट कर रहा हूँ। नंबर 1 पे तुम्बाड़ 2, नंबर 2 पे भेड़िया और नंबर 3 पे गो गो गॉन 2। ये 3 फिल्मों के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। शुक्रिया।